हेलो सर, आई एम अ सिंगर बाय प्रोफेशन एंड मैं इंडियन आइडल सीजन 9 में भी आई हूँ. एंड सर, मैं किसी की फैन नहीं हूँ. सब पलट गए एकदम. सर, मैं किसी की फैन नहीं हूँ, बट मैं आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैन हूँ. एंड सर, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर, मुझे वैसे घबराहट नहीं होती, बट स्टेज पे जाने से पहले मेरा दिल हार्ट बीट तेज हो जाती है बहुत ज्यादा. अभी नॉर्मली जैसे मैंने आपको देखा तो मेरी हार्ट बीट तेज हो गई. चपाट लगाओ एक एक को पकड़ पकड़ के. मतलब क्या बोला उन्होंने? हार्ट बीट तेज हो गई, मतलब एक्साइटमेंट की वजह से हो गई. बोल रही आपको लग रहा है प्यार मोहब्बत की बातें हो रही है. हाँ बोलो. हाँ तो सर, वो जो घबराहट होती है उसको मतलब कैसे हैंडल करें? मैं अपने आपको समझाती भी हूँ कि नहीं करना, मतलब रिकलेक्ट करती हूँ स्टेज पे जाने से पहले खुद को, बट वो नहीं हो पाता. मे बी बिकॉज के हम जो कर रहे हैं उसके आउटकम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं, तब ये रिएक्शंस होते हैं. जैसे अब पहले मैं आता था तो मेरे को होता था यार ये सेशन मेरी लाइफ का बेस्ट सेशन होना चाहिए, ये हो तो एकदम हवा टाइट होने लग जाती थी. नहीं हुआ तो क्या होगा? अब मैं आता हूँ टाइम पास करने के लिए कि आया मजे करे, कुछ हो गया हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, किसी के बाप का कर्जा देना है. मतलब आया, अपना किया और मजे में आया, मजे में चला गया. तो ऐसे कोई रिएक्शंस नहीं होते हैं. तो कहने का मतलब है आपको ये आपकी लाइफ का गोल होना चाहिए. एज अ सिंगर यू नीड टू सिंग एज इफ नोबडी इज वॉचिंग. तो इंडियन आइडल में आप कहां तक गए थे? सर, मैं टॉप 14 तक थी. टॉप 14 में थे? हाँ जी सर. फिर तो भाई एक तो बनता है आज. सर, मैं चाहती थी. सर, आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है? मेरा छोड़ो, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो मैं आपको लग जा गले सुनाती हूँ. आप खचरो बिल्कुल चुप. कोई बोला तो मार पड़ेगी. वॉलंटियर्स के हाथ में माइक है ना, मार देना सर पे, बाद में लाश को बाहर फेंक देंगे. हाँ. हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले कि फिर ये हसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो. लग जा गले से. वेरी नाइस. सर, अभी मैं अपना 100% बिल्कुल भी नहीं दे पाई, नॉट इवन 50. सर, आपने नोटिस किया होगा अभी भी शिवर कर रही है मेरी वॉइस, वो यही प्रॉब्लम है, मतलब घबराहट वाली थोड़ी सी. तो अब आपको क्या करना है? बिल्कुल इस तरीके से आंख बंद करके गाना है कि यहाँ पे कोई है ही नहीं. लाइफ में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है रियाज जहां से कि आप कुछ सीख रहे हो, एक है जो सीखा उसको एक्सप्रेस करना जहां से आप खाली हो रहे हो. तो अभी आप गाओगे अगले 2 या 3 मिनट के लिए खाली होने के लिए, भरने के लिए नहीं. भरना इन द सेंस कि हम ज्यादातर भरने के लिए गाते हैं कि मतलब गाने के बाद में तालियां मिले या कोई तारीफ करे, वो सब हो गया. अपने को भरने के लिए हम गा रहे हैं, उसमें खुद को भी मजा नहीं आता औरों को भी मजा नहीं आता. तो दिल में पूरा आराम से आंख बंद करके पहले कुछ सेकंड्स का पॉज ले लो और फिर जो भी दिल में है उसको गा दो. तो मैं एक सूफी सॉन्ग सुनाती हूँ. हाँ, मुझे नहीं, अपने आप को. मतलब ठीक है ना. हाँ, अपने आप को. क्योंकि जैसे ही आपने, हाँ सॉरी मैं बीच में आपको इंटरप्ट किया, बट जैसे ही आपने मेरे लिए गाया ना तो खत्म करते ही आप मेरी आंखों में देखोगे कि मुझे कैसा लगा. समझ गए? तो मेरे को छोड़ दो, औरों को छोड़ दो. आप ये सूफी सॉन्ग गा रहे हो अपने लिए. सूफी सॉन्ग का मतलब क्या है? जो साफ हो जाता है ना अंदर से, पूरी तरह से खाली है, उसको सूफी बोलते हैं. प्योर, एकदम प्योर. तो आप गा रहे हो जो भी अंदर गंदगी भरी हुई है, जो भी चीजें हैं उसको खाली कर देंगे, जो भी इमोशंस हैं, जो भी कुछ है उसको खाली कर देंगे. क्योंकि जो खाली होता है ना वो उससे भर जाता है जो एक्चुअल में कुछ है. आ,
मत जाना, बसो हमारी नगरी में, हूँ मुहे सुंदर मुख दिखना जाए, हूँ मुहे सुंदर मुख दिखना जा, मुहे सुंदर मुख दिखला दिखला जा, हो कदिया मिल सावल यार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे, मेरे रूरू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे सा।